हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ज्योमेट्री, ये इसका पार्ट वन वीडियो है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक ज्योमेट्री ही है, तो इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़ना भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आते हैं वो कभी कभी डिफिकल्टी लेवल इसका हाई भी रहता है। तो काफ़ी बेसिक से सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। इसके वेटेज की बात करूँ तो प्रीलिम्स में 4 सवाल फिक्स्ड है 25 में से, यानी सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो है ज्योमेट्री। तो इस पूरे के पूरे ज्योमेट्री के जो सीरीज़ है, जिसमें हम पूरा ज्योमेट्री कवर करेंगे, उसमें कोई भी टॉपिक आप छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। यही नहीं, जब हम मेंस में जाते हैं तो इसका वेटेज और बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जो मेंसुरेशन के बहुत सारे सवाल होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वहाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योमेट्री के, जिसके जरिए ही वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का कोर्स चल रहा है। चलिए अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं ज्योमेट्री को, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक्स पहले देखेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे पहले। ठीक है, ज्योमेट्री बना तो कैसे बना, देखिए सबसे पहली बात, एक पॉइंट होता है डायमेंशनलेस फिगर, जिसका कोई लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, एक बिंदु। ठीक है, तो बिंदु कुछ इस तरीके का होता है पॉइंट। ठीक, अब ये पॉइंट जो है अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है, प्लेन में मूव कर सकता है, थ्री डायमेंशन में मूव कर सकता है, और जिस तरीके से ये मूव करता है वैसे एक शेप बनने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइन है अगर एक ही दिशा में सीधा सीधा चलने लगे तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, यानी कि किरण कहते हैं। ठीक है, और एक ही दिशा से दो अलग अलग किरण यदि निकल जाए, एक ही दिशा से दो अलग अलग किरण निकल जाए तो यहां पर इसको कोण कहते हैं। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक दिशा से एक रे निकला हुआ था, इस बिंदु के अबाउट इस रे को आप घुमा दीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दीजिए, तो यहां पर जो एंगल बीच में आता है इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी कि थीटा एंगल होता है। इन दोनों के बीच का जो डिवीजन है इसको हम थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल के बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैं यहां पर अब डिस्कस नहीं करूंगा। रेडियन मेजरमेंट, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट, ये सारी चीजें हमने वहां पर कवर करके रखी थी। दूसरी बात, हर एक एंगल का अपना एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, हर एक कोण का एक प्रतिवर्ती कोण होता है, जिसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और ये जो रिफ्लेक्स एंगल है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि एक पूरे कोण को, यानी कि पूरा का पूरा एक बार सर्कल जब घूम गया तो इसे 360 डिग्री कहते हैं। तो अगर ये थीटा है, इसके पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा। यह होता है भाई रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, बात समझ में आ गई, किरण क्या है, कोण क्या है। इसके बाद आते हैं हम लाइन में, यानी कि रेखा में। जो ये हमने देखा कि किरण जो है एक ही दिशा में चलती है, अगर दोनों दिशा में विपरीत दिशाओं में दो किरण निकल जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, यानी कि रेखा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अगर एक ही बिंदु से दोनों दिशाओं में इस तरीके से चलने लगे कोई दो किरणें, तो यही जो है इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ध्यान ये देना कि ये जो लाइन है इसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है, रेखा का कोई अंत नहीं होता। लेकिन अगर हम लाइन सेगमेंट ले लें, यानी कि इस रेखा का कोई एक अंश ले लें, तो इसका एक एंड होता है, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, सीडी को। लेकिन अगर दोनों दिशा में इस तरीके से चल रहा है तो इसे हम लाइन कहते हैं, जिसका कोई एंड नहीं होता। बात करें इस एंगल की, तो किसी भी लाइन में आप कोई एंगल ले लें तो ये एंगल का वैल्यू हमेशा कितना होता है, तो हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका भी आप नोट बना के रखेंगे। ठीक, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, तो अगर यहां 60 डिग्री बन रहा है तो इसके पीछे 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री बनेगा, यानी कि 300 डिग्री का एंगल। तो हर एक कोण का अपना एक प्रतिवर्ती कोण होता है, इस बात को आप नोट करके रखेंगे। चलिए, ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब देखिए, यही लाइन जो है ऊपर नीचे यही इसी प्लेन में मूव करेगा तो स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है इसी तरीके से, और वही प्लेन थ्री डायमेंशन में चलने लग गया तो उसी से क्या बन जाएगा, क्यूबर्ड बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है एक बिंदु से ही बनी रहती है, बहुत सारी बिंदुएं मिलकर, ठीक है, अलग अलग यहां पर शेप बनाते हैं। तो इन सभी शेप की प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हमें जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे एंगल के बारे में, तो 5 प्रकार के अलग अलग एंगल आप यहां पर लिख सकते हैं। सबसे पहला न्यून कोण, ठीक है, एक तो 0 डिग्री एंगल से जो 90 डिग्री एंगल के बीच में हुआ उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक है, पहला पॉइंट नोट करके रखेंगे। दूसरा होता है सम कोण,
समकोण का मतलब भाई राइट एंगल, राइट एंगल मतलब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हुआ तो इसे को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद आता है भाई प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, अगर 180 डिग्री से भी बड़ा हो गया और 360 डिग्री से छोटा हुआ इसी को हम रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। फिर एक आता है कंप्लीट एंगल जिसका मतलब है 360 डिग्री। ये हो गए अलग अलग प्रकार कोण के, ठीक है, ये पांच प्रकार के कोण हो गए। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण, सप्लीमेंट्री समपूरक कोण। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी एक दो सवाल लिए थे, 90 डिग्री माइनस थीटा हाइट एंड डिस्टेंस का भी हमने सवाल देखा था वहां पे। अब देखिए यहां से आपको मैं एक रिजल्ट बता देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा कोई भी दो कोण है, अल्फा और बीटा दो कोण है, सच दैट अगर अल्फा और बीटा का योगफल 90 डिग्री आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहते हैं। समझ में आ गया पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो गया यानी अल्फा बीटा को हम अगर कहें कि इन दोनों का योगफल 180 डिग्री है तो इसी को ही हम सप्लीमेंट्री यानी कि सम पूरक कोण कहते हैं। क्लियर। अब ये एक रेखा है, इस रेखा में यदि मैं कोई भी एक किरण इस तरीके से बना दूं तो यहां पर जो एंगल बनते हैं, ठीक है, यहां पर जितने भी एंगल बनते हैं इन सब एंगल का योगफल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल और अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल को अगर हम जोड़ लें तो 180 डिग्री बन रहा है। तो इसी लाइन में जो अल्फा बीटा है इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर भी कहते हैं। इसको आप नोट करके रखेंगे कि लीनियर पेयर अगर कहा है तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, एक लाइन के बने हुए एंगल है दो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहां पर आपको आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का मतलब समझना होगा, आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल और बहिर्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बहिष्कोण, तो देखिए एंगल ए बी ओ एक्स जो है वो 60 डिग्री है, कोई भी एंगल मैंने यहां पर एक बना दिया 60 डिग्री। हर एक कोण का एक रिफ्लेक्स एंगल भी होता है और एक एक्सटीरियर एंगल भी होता है, हर एक कोण का एक एक्सटीरियर एंगल भी होता है एक रिफ्लेक्स एंगल भी होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने बता दिया 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल 300 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं एक्सटीरियर एंगल की तो ये जो 60 डिग्री है ये इंटीरियर एंगल है, करेक्ट, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो भाई एक लाइन को आप पूरा बढ़ा देना इस तरीके से, एक तरफ 60 डिग्री है तो दूसरे तरफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री होगा जो कि कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो 120 डिग्री दूसरा वाला हो जाएगा। यहां तक क्लियर, 60 डिग्री है तो ये 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है बातें। अब देखिए यहां पर दो प्रकार के बाइसेक्टर होते हैं, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ओ एक्स, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ओ एक्स। तो अगर इस कोण की हम बात कर रहे हैं तो इस कोण के दो समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर। अब सबसे पहली बात हमने यहां पर क्या देखा, तो यहां लिखा हुआ है बी ओ एक्स का इंटीरियर एंगल ओ वाई है, तो इस ओ वाई को मैं यहां से बनाऊंगा तो ये ओ वाई जो है इसको दो हिस्सों में बांटेगा, ये इसका कोण समद्विभाजक है, इस तरीके से इसको निरूपित किया जाता है। कोण समद्विभाजक की प्रॉपर्टी ये है कि इसको बराबर बराबर में बांटेगा, मतलब ये 30 डिग्री तो दूसरा वाला भी 30 डिग्री। क्लियर। साथ में अगर हम कहें कि ओजेड जो है, ये ओजेड जो है ये क्या है, ओजेड है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है बीओएक्स का, तो बीओएक्स का पहले एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर समझने के लिए एक्सटीरियर एंगल समझना जरूरी है। तो हमने पहले बताया आपको बीओएक्स का एक्सटीरियर एंगल ये वाला होगा 120 डिग्री जो इसके साथ संपूरक कोण बनाता है। तो इस संपूरक कोण का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी को ही क्या कहेंगे, एंगल बीओएक्स का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। तो अगर ये बी ये जो लाइन है इसका हमने क्या नाम दिया, ओजेड दिया, तो ये ओवाई था और ये ओजेड था। ठीक है, तो ओजेड जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री 120 का आधा, ये हो जाएगा 60 डिग्री 120 का आधा। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि वाई ओजेड एंगल 90 डिग्री बनेगा, वाई ओजेड मतलब ये वाला जो आंतरिक कोण समद्विभाजक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के बीच के कोण को यदि आप देखें गौर से तो यहां पर जो कोण बन के आ रहा है वो ये वाला कोण बन रहा है, और एक एंगल यहां 60 है तो दूसरा 30 है, 60 प्लस 30 करोगे तो 90 डिग्री बनेगा, यानी ओ वाई जो है ओ जेड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां तक क्लियर, ओ वाई जो है ओ जेड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये बीच में।
यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है अगर एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट है P1, P2, P3, P4, तो ये जो P1, P2, P3, P4 है इन सभी बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। और एक ही बिंदु से बहुत सारे अगर लाइन जा रहे हैं, जैसे AB लाइन है, CD लाइन है, EF, GH, चार अलग अलग प्रकार के लाइन है, ये चारों लाइन अगर एक ही बिंदु से पास हो रहे हैं, इन लाइन को क्या कहेंगे? कॉनकरेंट लाइन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कोलिनियर पॉइंट्स और कॉनकरेंट लाइन्स का मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से कुछ सवाल हम ले लेंगे, एक दो सवाल कुछ हम जो सीख चुके हैं, जैसे कि जितना हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ सवाल देख लेते हैं। फाइंड द एंगल विच इज 4 times इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उस कोण का मान ज्ञात करिए जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। अब देखिए अपने पूरक कोण का 4 गुने का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात, अगर अल्फा और बीटा पूरक कोण है तो इसका मतलब इसका जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये जो बीटा है ये दूसरे वाले का 4 गुना है, तो आपको बीटा निकालने को कहा जा रहा है जो कि 4 अल्फा के बराबर है। बात समझ पा रही? अपने पूरक कोण का 4 गुना, तो अल्फा का 4 गुना बीटा होना चाहिए और आपसे बीटा की मान पूछी जा रही है, तो बीटा यहां डालोगे 5 अल्फा बराबर 90 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, मतलब कितना? तो ये आपका हो जाएगा 18 डिग्री। 18 को यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो बीटा बराबर 72 डिग्री बन जाएगा। ठीक, 72 डिग्री, मतलब कि ए जो है इस सवाल का सही उत्तर। यहां तक क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रिफ्लेक्स एंगल इज 36 डिग्री लेस देन थ्राइस द एंगल देन फाइंड द एंगल। यदि किसी कोण का प्रतिवृत्ति कोण जो है उसके 3 गुना से 36 डिग्री कम है तो ज्ञात कीजिए कि कोण कितना है। सिंपल सी बात है, कोई भी जो कोण होता है इसका एक रिफ्लेक्स कोण भी होता है, ये पीछे वाला कोण जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है। इस रिफ्लेक्स कोण के बारे में कहा गया कि इस कोण का 3 गुना होने के साथ साथ इससे 36 डिग्री कम है, और यदि हम इसको टोटल करें तो एक कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री बनता है। और 360 डिग्री का मतलब थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया? 4 थीटा हो गया, और 36 डिग्री माइनस भी हो गया। यदि इसको दूसरे तरफ भेजें तो 4 थीटा का बराबर हो जाएगा 396 डिग्री। ठीक है, तो अगर थीटा से इसको काटोगे तो 9 बार आएगा 36, और फिर 36 आ रहा है तो 9 बार और जाएगा, तो 99 जो है डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा, 99 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, तो y बताइए। 3y प्लस 28 डिग्री 17 डिग्री प्लस 12y जो है एक दूसरे के संपूरक कोण है, तो y का मान क्या है? संपूरक शब्द देखते साथ आपको समझ में आना चाहिए कि 180 डिग्री इसका योगफल बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ना है हमें। 3y प्लस 28 डिग्री प्लस यहां 17 प्लस 12y, दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो 12y प्लस 3y होता है 15y, 17 डिग्री है यहां पर, 17 डिग्री प्लस इतना करोगे जोड़ोगे तो यहां पर 45 डिग्री बन जाएगा जो कि 180 डिग्री के बराबर है। तो 15y बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 45 करोगे तो 135 डिग्री आ रहा है, मतलब y का मान जो होगा वो 9 हो जाएगा। y का मान कितना आएगा? 9 हो जाएगा। सी जो है सवाल का सही उत्तर। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है ओ इज द पॉइंट ऑन अ लाइन ए बी, ए लाइन इज ड्रॉन ओ सी, अ लाइन ओ सी इज ड्रॉन विच इज नाइदर कोइंसिडेंट विद ओ ए नॉर ओ बी, एंगल बी ओ सी इज 1/3 ऑफ एंगल ए ओ सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी आपको निकालना है। देखिए भाई एक लाइन ए बी, एक लाइन है ए बी, एक लाइन दे दी आपको, बोला गया यहां पर ओ सी बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। ओ जो है पहले, ओ क्या है? ओ एक बिंदु है ए बी पर। अब ओ सी को आप इस तरीके से बनाते हैं कि जो एंगल बी ओ सी बना, ये जो एंगल बी ओ सी बना वो इस एंगल का 1/3 होगा, मतलब अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाय 3 होना चाहिए। क्या ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि आप इसको पहले ही 3 थीटा ले लीजिए? अगर इसको 3 थीटा ले लेंगे तो 3 थीटा का 1/3 बराबर ये थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब एंगल बी ओ सी इज 1/3 ऑफ एंगल ए ओ सी बोल रहा है, तो एंगल बी ओ सी का वैल्यू बताना है आपको, क्योंकि ये एक सीधा लाइन है
लाइन में लीनियर पेयर बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, ये तो आप अभी तक जान ही चुके हैं। मतलब ये जो 3 थीटा है प्लस ये जो थीटा है, 3 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 4 थीटा हो गया। इसका वैल्यू 180 डिग्री का है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, तो यहां पर 45 डिग्री बन जाएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए जो है सवाल का सही उत्तर है। यहां तक क्लियर बातें समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एपी एंड ओक्यू इंटरसेक्ट एट जी। तो यहां पर लाइंस दिया है एपी और ओक्यू, मतलब दो लाइन है। सबसे पहली बात, ये एपी एक लाइन है, ओक्यू भी एक लाइन है, ये कहीं पर मीट कर रहे हैं जी पर। दूसरी बात इसने कह दी कि एजीओ प्लस पीजीएफ, एजीओ कहां है, ये एजीओ है, प्लस पीजीएफ कहां है, ये पीजीएफ है। इन दोनों का जो योगफल है 70 डिग्री का है, ठीक है 70 डिग्री का है, और साथ में आपको पीजीएफ प्लस पीजीक्यू दिया है। तो पीजीएफ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, पीजीएफ मतलब ये वाला एंगल प्लस पीजीक्यू मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का जो योगफल है 40 डिग्री का आपको दिया हुआ है, बराबर। तो आपको यहां पर पीजीएफ निकालना है, अच्छा पीजीक्यू एंगल दिया हुआ है आपको, पीजीक्यू दिया है इसको करेक्ट करना, पीजीक्यू एंगल जो है, पीजीक्यू का वैल्यू 40 डिग्री दिया, आपको पीजीएफ का वैल्यू बताना है कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात हमने ये सीख लिया, एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण आप बना ले सबका जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। अगर ये येलो वाले कोण का सम, इस वाले कोण का सम प्लस इस वाले कोण का सम कितना है, 70 डिग्री है, पूरा के पूरा ये वाला जो कोण होगा ये तो 180 डिग्री का होगा। और अगर 70 डिग्री यहां वाले कोण और आखिरी वाले कोण ने ले गया, तो इन दोनों में से 70 माइनस करने पर 110 डिग्री बनता है। मतलब ये जो बीच का कोण बन रहा है, ठीक है ये वाला जो बीच का कोण बन रहा है, इस कोण का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना होगा, ये 110 डिग्री होगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत है यहां तक, ये 110 डिग्री होगा। साथ में ये भी तो एक सीधा सीधा लाइन है OQ, तो यहां 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये जो PGF जो आपको फाइंड करना है, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री बनना चाहिए। तो यदि हम इसको जोड़ लें, यदि हम इन दोनों को जोड़ लें, 110 और 140 को, 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री को जोड़ ले तो कितना आ रहा है, 150 डिग्री आ रहा है। मतलब ये वाला पूरा का पूरा एंगल भी तो 180 डिग्री का होगा, जिसमें से अगर ये वाला कोण यानी कि एफ जी ओ और पी जी क्यू इन दोनों ने मिलकर अगर 150 डिग्री ले गए तो बचा हुआ 30 डिग्री यहां पे होगा, तो इसका 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये सी जो है सवाल का सही उत्तर है, 180 डिग्री माइनस 50 करने पर 30 डिग्री आएगा। बहुत ही मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूं, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो दोनों कोण क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, राइट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण या संपूरक कोण। देखिए भाई सिंपल है डेफिनेशन, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो कोण अल्फा प्लस बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा ये एंगल, बराबर यही होता है ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब। राइट एंगल का मतलब बराबर 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। सप्लीमेंट्री एंगल ये तो इनका सम हो जाता है, सम इक्वल टू 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल तो सीधा सीधा नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री अलग होता है। आपको पूछ रहा है कि दोनों कोण जो है वो क्या होंगे। देखिए अगर दोनों कोण को मैं 90 डिग्री बना दूं तो 90 प्लस 90 तो 180 हो जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। और 90 डिग्री से ज्यादा, जब 90 डिग्री ही नहीं हो सकता तो 90 डिग्री से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम जो है वही 90 डिग्री है। तो एकमात्र सॉल्यूशन जो हो सकता है वो एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, और दोनों कोणों को यहां 0 से 90 डिग्री के बीच में होना पड़ेगा, तभी जाके दोनों का सम 90 डिग्री बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। क्लियर, चलिए अब यहां पे अगले सवाल को सॉल्व करने के पहले कुछ और थ्योरम्स को हम देख लेते हैं, इसका बढ़िया से आप नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से समांतर कोण यानी कि पैरेलल लाइंस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। पैरेलल लाइंस को हम इस तरीके से निरूपित करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, समानांतर रेखाओं को इस तरीके से निरूपित करने का तरीका है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। क्लियर, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब
इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि दो इस तरीके की रेखा जो कहीं पर जाकर एक दूसरे से मिले। कोई एक ही बिंदु पर दो रेखाएं मिल सकती है एक प्लेन में, और उसी पॉइंट पर अगर मिल रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कहीं पर टकराएंगे, ठीक है, लेकिन एक ही बिंदु पर मिल सकते हैं। यहां पर चार कोण बनते हैं। पहला कोण ये अल्फा, दूसरा कोण ये दूसरा वाला अल्फा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है तो ऑपोजिट एंगल्स यहां पर इक्वल होते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसको हम कहते हैं। और ये एंगल जो है जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है, एक इस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में, एंगल एओसी बराबर एंगल बीओडी होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में। और दूसरा यहां पर कोण जो दिख रहा है आपको, ये बीटा वाला, ये वाला, तो यहां पर बीटा बना तो दूसरे तरफ भी यहां पर भी बीटा बनेगा, क्लियर। तो ये बीटा बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, विपरीत दिशाओं में जो दो कोण बनते हैं इक्वल होते हैं, मतलब एंगल एओडी बराबर एंगल बीओसी हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए अब वापस आते हैं पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी ऐसी दो रेखा है जो कि कभी ना मिले, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइंस। तो ए बी जो है अगर पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब यह होता है कि इसके बीच की जो दूरी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर एक बार बी हो गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अनंत तक आप दाएं तरफ जाएं या बाएं तरफ जाएं कहीं नहीं मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो बी जो है वो मेंटेन रहेगा। ये पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी होता है। अगर मैंने कहा ए बी जो है पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल ई एफ के है, सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ए बी सी डी भी पैरेलल ही थे। तो अगर ए बी एफ के पैरेलल है, इसके बीच का अगर दूरी यहां पे हमने देखा कि कितना है, तो ए है, तो अनंत तक ए का डिस्टेंस रहेगा, चाहे आप राइट साइड इनफाइनाइट तक जाइए, चाहे आप लेफ्ट साइड इनफाइनाइट तक जाइए, इनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन रहिए, कभी मिलेंगे नहीं। ये होता है पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब यहां से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और सीखना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर दो पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जो कि है ए बी पैरेलल टू सी डी। ई एफ जो है ये ए बी को भी काट रहा है और ई एफ जो है सी डी को भी काट रहा है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल, हिंदी वाले लिखेंगे तिर्यक, इसी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल को हिंदी वाले क्या लिखेंगे? तिर्यक, क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों को काट रहा है, ए बी को भी काट रहा है और सी डी को भी काट रहा है ये वाला लाइन, क्लियर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर कभी भी दो लाइन जब मिलते हैं तो चार कोण बनते हैं। तो पहली बार जब ई एफ ए बी को मिलेगा तो एक दो तीन चार, चार कोण बनेंगे। ई एफ जब सी डी को मिलेगा तो फिर से चार कोण बनेंगे, पांच छह सात आठ, ठीक है, यहां पर चार कोण, यहां पर चार कोण। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि यहां क्या प्रॉपर्टीज है इन कोण के संदर्भ में, ठीक है। तो चलिए समझिए, यहां पर सबसे पहली बात, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डायरेक्शन डिस्टेंस आपको धीरज सर ने पढ़ाया है, ठीक है, तो वहां पे कुछ चीजें आपने सीखी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो डायरेक्शन होता है ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो मैं यहां से कोई भी एक दिशा की बात करता हूं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहां जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये बन रहा है वन। यहां पर क्या कोण बन रहा है? तो ये बन रहा है पांच। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि संगत कोण बराबर होते हैं, एंगल एक बराबर एंगल पांच, एक ही दिशा में जो कोण बना, यहां पर आपने देखा वन बना तो यहां पर हमने देखा पांच बना, ये बराबर होते हैं, ये पैरेलल लाइन का पहला प्रॉपर्टी, क्लियर। उसी तरह से आप देखेंगे यहां पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप जाएंगे तो टू है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहां पर छह है, तो दो बराबर छह आ गया। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस पॉइंट से देखोगे तो तीन है, तो यहां पर सात है, तीन बराबर सात हो गया। उसी तरह से आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखो, यहां चार है तो यहां पे पांच है, तो बराबर चार बराबर आठ है, चार बराबर आठ है, तीन बराबर सात, तीन बराबर सात है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे, सेकेंड पॉइंट, इसके बाद हम आएंगे समुख्य कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसके बारे में हमने पहले ही देखा था। तो इसको यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को हम क्या कहते हैं? समुख्य कोण। तो अगर वो यहां पर भी तो फॉलो होना ही चाहिए, एक कोई थ्योरम हमने देखा वो हर जगह फॉलो होती है। तो यहां पर चार कोण है, यहां पे चार कोण है, इसमें एक और तीन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एक बराबर तीन हो जाएगा। दो और चार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो दो और चार इक्वल हो जाएंगे, समुख्य कोण। पांच सात, पांच कहां है? पांच इधर है तो सात यहां पर, उसी प्रकार छह यहां पर है तो आठ यहां पर, पांच बराबर सात है, छह बराबर आठ है, तो ये दोनों भी इक्वल ही रहेंगे,
यहां तक क्लियर बातें समझ में आ रही है? देखिए, तो ये होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि समुख्य कोण, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब ऑल्टरनेट एंगल्स दो प्रकार के होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल का मतलब एकांतर कोण आप लोग लिखेंगे, एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल। पहले रिजल्ट को और दूसरे रिजल्ट को, पहला वाला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट को यदि मैं कंबाइंड कर दूं तो हमें तीसरा रिजल्ट मिलता है जो कि है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो आप नोट डाउन करेंगे कि एंगल तीन बराबर एंगल पांच है। कैसे आया तो समझ लीजिए, एक एंगल में समझा देता हूं, बाकी चीजों को आप खुद से समझ लेंगे। देखिए, एक तीन बराबर पांच है, मतलब तीन का मतलब ऑल्टरनेट का पहले तो समझ लीजिए कि इसको देखना कैसे। अगर मैं इस तिर्यक की बात कर रहा हूं, ट्रांसवर्सल की बात कर रहा हूं, तो ऑल्टरनेट एंगल का मतलब अगर मैंने एक कोण को लेफ्ट साइड लिया, दूसरे कोण को राइट साइड लेना होगा। बात समझ में आ रही है? एकांतर कोण का मतलब अगर मैंने एक कोण को लेफ्ट साइड लिया तो दूसरे कोण को राइट साइड लेना पड़ेगा। यह हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरी बात, इंटीरियर में भी यह रूल फॉलो होता है, एक्सटीरियर में भी यह रूल फॉलो होता है। इंटीरियर का मतलब इस रेखा के आंतरिक दिशाओं में, मतलब ये इसका जो एरिया उसने घेर के रखा है, मतलब तीन चार पांच छह एंगल के बारे में अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो ये इंटीरियर एंगल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, यानी आंतरिक कोणों के बारे में। लेकिन अगर हम यहां से बाहर वाले कोणों की बात कर रहे हैं, मतलब इसके इस दिशा में और इसके इस दिशा में, इन दोनों कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 2 7 8 की यदि हम बात कर रहे हैं, इस केस में एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, यानी बहिर्कोण के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो कहीं पर भी हम इंटीरियर एंगल की बात करें पैरेलल लाइंस में तो हमेशा इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच वाले कोण की बात, एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो इन दोनों लाइन के बाहर वाले कोणों की बात, यानी 1 2 7 8 की बात हो रही है तो एक्सटीरियर, 3 4 5 6 की बात हो रही है तो ये इंटीरियर एंगल की बात होगी। तो पहली बात आपको देखना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा हुआ है तो 3 बराबर 7 है और इसके आगे क्या लिखा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इंटीरियर में आप देखेंगे तो 3 4 6 और 5 है, तो जब मैंने 3 लिया, इस 3 के साथ दूसरे साइड में मुझे 5 लेना होगा, 3 बराबर 5। क्लियर? और अगर मैंने यहां से 4 लिया तो 4 से दूसरे साइड में यहां पर 6 एंगल, तो 4 और 6 इक्वल होता है, ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी प्रकार एक्सटीरियर में भी होगा। एक्सटीरियर की मैं बात करूं तो देखिए, यहां से अब बाहर वाले कोण की बात कर रहे हैं, एक यहां से लिया तो दूसरे साइड में यहां पर 7 आएगा बाहर, 1 बराबर 7 दिख रहा है यहां पे। और सेम चीज आप देख पा रहे होंगे, यहां 2 है तो इसके इस तरफ 8 है, तो 2 बराबर 8 यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको समझ में आने लगा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चाहे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों चीजें क्या है आपको अच्छे से समझ में आने लगी होगी। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए, अब यहां से हम समझते हैं कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि पहले और दूसरे रिजल्ट को मिला दीजिए। देखिए, पहली बार में हमने कहा कि 1 बराबर 5 है, ये आपने समझ लिया। अगर 1 बराबर 5 है पहले वाले रिजल्ट से, दूसरे रिजल्ट से हमने क्या किया, एंगल 1 बराबर 3 है, एंगल 1 बराबर 3। पहले रिजल्ट से हमने कहा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से यानी संगत कोण से एंगल 1 बराबर 5, समुख्य कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हमने कहा 1 बराबर 3, तो क्या 3 बराबर 5 नहीं होगा? और जैसे 3 बराबर 5 किया तो पहला रिजल्ट मिल गया यहां से। क्लियर, समझ में आ रहा है? हम ये कह रहे हैं पहले वाले में 1 बराबर 5 लिखा, दूसरे वाले में 1 बराबर 3 लिखा, तो अगर 1 बराबर 5 भी 1 बराबर 3 भी है तो क्या 3 बराबर 5 नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया? इस तरीके से आप बाकियों को भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, यहां से इसको देखिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, इज 180 डिग्री, इंटीरियर साइड में भी और एक्सटीरियर साइड में। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंटीरियर के बारे में बात हो रही है तो हम 4 5 3 6 के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 8 2 7 के बारे में बात कर रहे हैं। अब ट्रांसवर्सल ये है, ट्रांसवर्सल ये है, तिर्यक है, इसके सेम साइड की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आंतरिक साइड में देखोगे तो 4 और 5 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा, और वहीं दूसरे तरफ आंतरिक साइड में 3 और 6 तो 3 और 6 को जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। तो इस तिर्यक के एक ही दिशा में आंतरिक कोण जो बनते हैं उन दोनों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। 5 + 4 भी 180, 3 + 6 भी 180। वही चीज बाहर में भी होगा, मतलब बाहर कोण में एक ही दिशा में आप देखिए, एक है यहां पर तो यहां पर 8 है, तो या 1 + 8 जोड़ोगे तो भी 180 डिग्री आएगा, या बाई तरफ देखोगे तो 2 और 7 आ रहा है, 2 + 7 जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा।
ये वाला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आप नोट डाउन करके रखेंगे क्योंकि इससे कंबाइंड करके आपका क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन में, तो इसको नोट कर लेंगे बढ़िया से। एक ट्रायंगल है ए बी सी, किसी भी कोण, किसी भी त्रिभुज में इसके जो कोण होते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होता है। और यदि मैं इस बीसी लाइन को आगे बढ़ा दूं डी तक, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा किसका, तो यहां पर कोण सी का। कोण सी प्लस एक्सटीरियर एंगल, कोण सी प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री है क्योंकि लीनियर पेयर बनता है। और अगर हम यहां से इसका लीनियर पेयर बना रहे हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होता है। अरे भाई देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्लस 100, ये जो एंगल सी है ये भी बराबर 180 डिग्री है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि एंगल सी बराबर एंगल ए प्लस बी हो, होना ही चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। बहिर्कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर के एंगल, हिंदी वाले लिखेंगे किसी भी कोण के बहिर्कोण, कोई भी कोण जो है उसका बहिर्कोण जो है विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। एक त्रिभुज में किसी भी कोण का बहिर्कोण, कोई भी एक कोण है उसका बहिर्कोण जो है विपरीत आंतरिक कोणों के, विपरीत जो दो आंतरिक कोण बनेंगे ए प्लस बी के बराबर, इसका एक्सटीरियर एंगल। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक। चलिए अब इन कुछ बातों के साथ एक दो बात और है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए इसको, इसके बारे में बाद में आता हूं, पहले हम यहां पर और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है एंगल ए बी सी जो है ये 100 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए बी सी जो है ये 100 डिग्री है, और साथ में ई डी सी एंगल जो है, ई डी सी एंगल जो है 120 डिग्री है, ठीक है। और आपको यहां पर बी सी डी जो है, एंगल बी सी डी का वैल्यू निकालना है कि यहां पर बी सी डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आपको यहां पर क्या करना है, इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, और आपको एंगल बी सी डी का वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो एक हमने कंस्ट्रक्शन किया यहां पर एक लाइन इस तरीके से कि आपको जो गिवन कंडीशन था ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या कंडीशन गिवन था, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन था, डी ई गिवन था। तो यहां पर हम ए बी सी डी ई एफ जी मान लेते हैं इस लाइन को, कि ऑलरेडी ए बी पैरेलल टू डी ई है और ये पैरेलल टू किसके हो जाएगा, एफ जी के हो जाएगा, बराबर। तो ए बी पैरेलल टू डी ई पैरेलल टू एफ जी, इस तरीके से हमने तीन यहां पर लाइन बना दी है। इससे क्या होगा, इससे आपको समझ में आएगा कि यहां पर अब ये वाला एंगल निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ये दोनों कोणों को निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो भी बनेगा इन दोनों का सम 180 डिग्री बनना चाहिए। 120 डिग्री अगर ये है तो यहां पर इन दोनों का सम जो है 120, और ये वाला जो भी एंगल बनेगा इसका सम जो है कितना होना चाहिए, ये दोनों का सम होना चाहिए 180, मतलब ये 60 डिग्री बन जाएगा, बराबर। तो अगर ये 100 डिग्री है, इसको 100 के साथ कुछ भी जोड़ेंगे यहां पर, तो यहां पर ओवरऑल जो है 180 बनता है, मतलब ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री माइनस 100 होगा, यानी 80 डिग्री। ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और पूरा का पूरा एंगल 180 बनता है, मतलब कि आप समझिए 80 प्लस 60 कितना हो गया, 140 डिग्री हो गया। मतलब अगर मैं 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री करूं तो बीच में कितना आ रहा है, 40 डिग्री आ रहा है, मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना है, 40 डिग्री बन जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो जो सी है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर अनइक्वल Among the true statements, among these the true statements are, तो निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो प्रत्येक संगत कोण समान होते हैं, प्रत्येक एकांतर कोण असमान होते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सबसे पहली बात, जब एक दो समांतर रेखाएं हैं, पहला समांतर रेखा यह है, दूसरा समांतर रेखा यह है, इसको जब हम यहां से इस तरीके से काटते हैं तो हमने क्या क्या देखा है, संगत कोण तो समान होते ही हैं, यानी पहला वाला तो ट्रू है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हमने देखा, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर अनइक्वल, ये तो गलत है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है, तो ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, केवल वन जो है ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाले स्टेटमेंट की हम बात करें तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंगल ए बी ई इक्वल टू 100 डिग्री दिया हुआ है, ए बी ई मतलब ये वाला एंगल जो है ये इक्वल टू 100 डिग्री दिया हुआ है आपको,
और बोल रहा है कि सी डी ई एंगल निकालिए। चलिए यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये ई होगा यहां पर, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये वाला एंगल ई है, ठीक है। अब एंगल सी डी ई यानी कि एक्स जो दिया हुआ है इसको आपको फाइंड करने को कहा गया है, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि यहां से अगर मैं ये जो डी ई है, इस डी ई के पैरेलल कोई एक लाइन बना देता हूं बी एफ, इस डी ई के पैरेलल इस तरीके से लाइन बना देते हैं हम बी एफ, तो बी एफ जो है इसके पैरेलल है डी ई के। इससे होगा क्या, इससे ये समझ में आएगा कि यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एक ट्रांसवर्सल के जैसे काम कर रहा है, तो मैंने क्या किया यहां पर बी एफ जो है इसको पैरेलल बना दिया डी ई के, ठीक है। इससे होगा क्या कि यहां से ये जो ट्रांसवर्सल है ये इसके अल्टरनेट एंगल्स बन गए, 25 डिग्री तो ये भी 25 डिग्री बनेगा, 25 डिग्री तो ये भी 25 डिग्री, क्लियर। अब अगर मैं इसको पीछे की ओर यहां से बढ़ाऊं इस तरीके से, सपोज करिए किसी पॉइंट पे मिला, चलिए ए ही पॉइंट पे अगर मिला हो, तो यहां से ये पूरा का पूरा एंगल, अब देखिए क्योंकि बी एफ पैरेलल है डीई के, तो अगर यहां पर 125 डिग्री बन रहा है तो ये भी 125 डिग्री बनेगा, और अगर ये 125 डिग्री बनेगा तो ये वाला जो एंगल है ये भी 125 डिग्री ही बनेगा, मतलब ये एक्स का वैल्यू क्या है, सी है 125 डिग्री। यहां तक क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया हुआ है इस चित्र में ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, सी डी के, और साथ में एंगल ए एल सी जो है यानी ये वाला कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि ईसी जो है, ईसी जो है ये ईसी जो है इसके एलसीडी का समद्विभाजक है, ईसी जो है एलसीडी का समद्विभाजक है इन दोनों का, तो यहां पर एक्चुअली अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा भी 60 डिग्री होगा, और क्योंकि ये समद्विभाजक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो यहां पर अगर 60 डिग्री बना तो ये पूरा का पूरा 60 डिग्री बनेगा, और अगर ये पूरा का पूरा 60 डिग्री बना तो ये 30 डिग्री और यहां पर भी 30 डिग्री बनेंगे, क्लियर। तो अगर ये 30 डिग्री है, आपको यहां पर क्या निकालना है, एंगल सी ई एफ का वैल्यू निकालना है, तो सी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, ये बन जाएगा आपका 150 डिग्री का, ठीक है, 150 डिग्री का, तो एंगल सी जो है, सी एंगल ये वाला जो है 150 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एम एक्स क्यू एंगल जो है, एम एक्स क्यू जो एंगल है 135 डिग्री है, एम वाई आर जो है, एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स एम वाई का वैल्यू आपको निकालना है कि एक्स एम वाई का वैल्यू कितना होगा। देखिए इस थ्योरम, ये एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इस थ्योरम को आप पहले नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और फिर मैं इस सवाल को फटाफट कैसे कैलकुलेट करना है इसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक। चलिए चलिए ये थ्योरम हमको सीखना है, इस थ्योरम में यहां पर आपको समझना होगा कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, और साथ में एक्स ओ वाई जो एंगल है ये बराबर अगर थीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, तो थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए अब यहां से आपको ये चीज नोट डाउन करना है कि अगर यहां पर ये चीज प्रूफ करना है तो उसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमको करना होगा। मैं क्या करूंगा, इस ओ के लाइन से गुजरता हुआ एक लाइन बनाऊंगा ई एफ, ओ लाइन से गुजरता हुआ एक लाइन बनाऊंगा ई एफ, such that AB is parallel to CD is parallel to EF, ठीक है, AB is parallel to CD is parallel to EF, clear है। अब यहां से आपको समझना होगा कि ये जो एंगल होता है थीटा, ये जो एंगल होता है थीटा, ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, थीटा जो होता है ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है उसको समझ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर यहां पर ये वाला कोण अल्फा है तो ये अल्टरनेट एंगल से ये वाला कोण भी अल्फा होगा, अगर ये वाला कोण बीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला कोण भी बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहां तक समझ में आ गई कि थीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। इस तरीके से आप इस रिजल्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो यहां पर आप इस फिगर को नोट डाउन करेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। आप देखिए यहां पर मैंने एक लाइन ऐसा बनाया, फिर एक लाइन ऐसा बनाया, एक लाइन ऐसा बनाया, एक लाइन ऐसा बनाया, एक लाइन ऐसा, तो ये बहुत सारे अलग अलग ट्रांसवर्सल बने हुए हैं। लेफ्ट साइड में यहां एक्स डिग्री, यहां वाई डिग्री है, यहां अल्फा बीटा और गामा डिग्री है, एक्स डिग्री वाई डिग्री, यहां अल्फा बीटा गामा डिग्री, तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री है ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस तरीके से यहां पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो लेफ्ट साइड वाले एंगल्स एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर राइट साइड वाले एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। ऐसे आप जितने भी लाइन बना दें इसमें यह फॉलो होगा। तो यहां पर ये जो थीटा है, थीटा बराबर क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बना था, ये राइट साइड में बना था, तो उसी का ही रिजल्ट है ये। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं वापस इस सवाल में।
जो हम यहां पर डिस्कस करना चाह रहे थे। देखिए यहां पर दिया हुआ है पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, और एम एक्स, एम एक्स क्यू का वैल्यू 135 डिग्री है, एम वाई आर का वैल्यू 40 डिग्री है। आपको एक्स एम वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एम एक्स क्यू कितना है 135 डिग्री, तो बताइए भाई ये वाला एंगल कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो अगर यहां 135 डिग्री होगा तो ये 45 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर 135 डिग्री बना तो दूसरी तरफ यहां 45 बनेगा। आपको निकालना है बीच वाला एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई कैसे निकलेगा? तो आपने देखा 40 यहां 45 यहां, तो 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 85 डिग्री बन जाएगा, 85 डिग्री बन जाएगा। ए जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई? चलिए बात आगे बढ़ते। ए बी पैरेलल है डीई के, ए बी पैरेलल है डीई के, ठीक है, और साथ में यहां पर एंगल ई डी सी, ई डी सी का वैल्यू कितना है? ई डी सी का वैल्यू 23 डिग्री है, और ई डी सी का वैल्यू है 23 डिग्री, और साथ में ए बी सी का वैल्यू है 67 डिग्री। ई डी सी का वैल्यू है 23 डिग्री, ये वाला एंगल ये इक्वल टू आएगा यहां पर, और ए बी सी एंगल ये वाला है 67 डिग्री। आपको एंगल बी सी डी का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें तो इसका वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, बस फिगर को थोड़ा घुमा दिया है। आप देखिए अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू डी ई आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपने यहां पर ट्रांसवर्सल ऐसा बनाया, तो बीच वाला एंगल जो होगा वो यहां पर 23 डिग्री, क्योंकि एक साइड वाला एंगल है, बाकी साइड में ये दोनों है। बस फिगर को घुमा दिया, यहां पर 67 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों का योगफल बताइए कितना आ रहा है, यह बन जाएगा आपका 90 डिग्री। बी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए यहां पर आपको बोला गया ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो x का वैल्यू क्या है? ये ए बी लाइन दिख रहा है, ये सी डी लाइन दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है, तो x का मान क्या आपको बताना है? देखिए इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा सा मैं पीछे की ओर इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि देखिए ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, बराबर 108 डिग्री है, यहां पर 72 डिग्री होगा, ये 112 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा 68 डिग्री का, बराबर। अब यहां से आप खुद ही बताइए कि ये जो एंगल है ये ए ई एफ, इस ए ई सी, इसमें आप देख रहे हैं एक्स एक तरफ बना है 72 डिग्री, 68 डिग्री दूसरी तरफ बना है, मतलब 72 प्लस 68 करोगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। यही सवाल का सही उत्तर होगा, सी जो है सवाल का सही उत्तर है। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ए बी पैरेलल टू सी डी था, तो आप डायरेक्टली यहां 108 डिग्री प्लस 112 डिग्री को जोड़कर इक्वल करने की गलती मत करना, आपको देखना है कौन से साइड की बात हो रही है। तो अगर 108 है तो दूसरी तरफ 72 होगा, क्योंकि पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनता है, ये हमने कई बार देखा, तो ये 72 डिग्री बनेगा। और अगर यहां 112 डिग्री है तो दूसरी तरफ जो बनना चाहिए वो 68 डिग्री बनना चाहिए। ठीक, और यहां पर बीच में जो एंगल बन रहा है इन दोनों का सम होगा, मतलब 140 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और एक्स डिग्री का आपको मान बताना है यहां पर। चलिए कैसे इसको सॉल्व करें, देखिए ए बी यदि पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये जो है बी एफ ये क्या काम कर रहा है? ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। अगर ये 70 डिग्री है, अगर ये 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 70 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ को देखें, ट्रायंगल डी ई एफ को यदि हम देखें, तो इस ट्रायंगल डी ई एफ में ये वाला जो कोण है, ये 70 डिग्री जो है, ये एक्सटीरियर एंगल है किसका? डी ई एफ का, यानी इस एंगल का, डी ई एफ का। तो आंतरिक, ये जो बहिर कोण होता है और विपरीत दिशा में जो आंतरिक कोण बने उसका योगफल होता है, ये हमने देख लिया। तो देखिए इस ट्रायंगल की ओर थोड़ा सा नजर यहां पर देखिए कि ये डी ई एफ ट्रायंगल में ये वाला जो कोण है इसका एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री, और ऑपोजिट में एक्स डिग्री बना और 20 डिग्री बना, तो एक्स डिग्री प्लस 20 डिग्री दोनों जो है इसका सम 70 डिग्री के डायरेक्टली बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, बहिर कोण बराबर विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो एक्स जो है ये 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, तो सी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ए बी और ए सी एक ट्रायंगल है के इक्वल साइड्स है, बी सी को प्रोड्यूस किया जाता है डी तक फ्रॉम अ पॉइंट ई ऑन ए सी। इफ ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, कंसिडर द क्वाड्रिलेटरल ई सी डी एफ दस फॉर्म। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री,
एंड ई एफ डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डी सी? त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी समान है, भुजा बी सी के को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, ए सी पर बिंदु ई से ए बी को समानांतर ई एफ रेखा खींची जाती है, इस प्रकार ई सी डी एफ एक चतुर्भुज बनता है। ठीक है, यदि एंगल ए बी सी जो है 65 डिग्री है और ई एफ डी जो है 80 डिग्री है, तो एंगल एफ डी सी का मान आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए भाई, यहां पर ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में आपको बोला गया बी सी को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट डी तक, बी सी को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट डी तक, और ई एक पॉइंट है ए सी पर, ई एक पॉइंट है यहां पर ए सी पर। अब हमको यहां पर बोला गया, हम यहां पर ठीक है, ई एक पॉइंट है ए सी पर, ई एफ लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू ए बी। तो देखिए ये ए बी ऐसा बना हुआ है, तो इसके पैरेलल बनाना मतलब इस तरीके से बनाना होगा, तो ये पॉइंट ई है। अब बताइए भाई, एफ को इधर लोगे कि एफ को इधर लोगे? देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर ई सी डी एफ जो है क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, तो अगर आप एफ को यहां लेंगे तो चतुर्भुज नहीं बनेगा, तो एफ को यहीं लेना अनिवार्य बन जाएगा। ठीक है, अब आपको सवाल में दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी जो है ये कितना है, एंगल ए बी सी का वैल्यू 65 डिग्री है, 65 डिग्री, और साथ में ई एफ डी एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री के बराबर है, तो यहां से एफ डी सी का वैल्यू क्या है आपको बताना है। ठीक, चलिए चलिए, यहां पर इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं जी, तो अगर ये 80 डिग्री है 65 डिग्री है, तो यहां पर कितना, ये भी 65 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, क्योंकि देखिए भाई अगर ये लाइन पैरेलल है, ये ई एफ लाइन पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल, और ये जो बी डी है एक तरीके का ट्रांसवर्सल है, बी डी जो है एक तरीके का ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 65 डिग्री बनाया तो यहां पर भी 65 डिग्री बनाएगा, 65 डिग्री 65 डिग्री। अब आपको यहां से इस वाले एंगल का वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है एफ डी सी एंगल का, तो भाई इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल जी एफ डी को देखिए, किसी भी त्रिभुज में सारे के सारे एंगल का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, अगर ये 65 हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 145 डिग्री आ रहा है, और तीनों ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो कितना है, 180 डिग्री है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यहां पर वैल्यू 35 डिग्री का बनेगा, 35 डिग्री का, ठीक है, तो 35 डिग्री सही उत्तर है, डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ ट्रेपेजियम क्यू आर जो है ये पैरेलल है, इस ट्रेपेजियम में क्यू आर है पैरेलल पी एस के, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, ये पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्यू आर जो है पैरेलल है, क्यू आर जो है पैरेलल है पी एस के, ठीक है, और एंगल क्यू 90 डिग्री के बराबर है, और पी क्यू बराबर आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर है, मतलब अगर ये पी क्यू है ये बराबर किसके, क्यू आर के, ठीक। अब आपको बताना है कि एंगल पी आर एस अगर 20 डिग्री है, एंगल पी आर एस 20 डिग्री है, पी आर एस यहां पे रहा, इसका वैल्यू 20 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बताना है एंगल टी एस आर का वैल्यू क्या होगा, ये वाले कोण का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को करने के पहले त्रिभुज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको सीखना जरूरी है, तो उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं इस सवाल में। ठीक, ये हमने देख लिया था पहले, ये एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भुजा दो बराबर हो जाते हैं, जैसे ए बी बराबर ए सी है, ए बी अगर बराबर ए सी के है तो एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, ठीक है, अगर ए बी बराबर ए सी है तो ये दोनों इसके ऑपोजिट वाले साइड इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर क्या, ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी है, ए बी के ऑपोजिट में क्या है, ये वाला एंगल है सी, और ये ए सी है, ए सी के ऑपोजिट में ये वाला एंगल है बी, तो ए बी बराबर अगर ए सी है तो ए बी के पीछे सी वाला एंगल और ए सी के पीछे बी वाला एंगल दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, सम कोण समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण इक्वल होते हैं, तो सारे के सारे एंगल का सम तो 180 होता है, तो सारे के सारे एंगल इक्वल हो गए तो एक एक एंगल 180 डिग्री बटा तीन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री प्रत्येक एंगल, एंगल ए भी इसके बराबर, एंगल बी भी इसके बराबर, एंगल सी भी इसके बराबर हो जाएगा। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए इसको समझिए, इस वैल्यू को यहां पर, इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, यहां पर आपका जो है पी क्यू बराबर क्यू आर है,
पी क्यू बराबर क्यू आर है, मतलब ये वाला एंगल बराबर ये वाला है, यानी कि ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड। इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर को, इसमें एक कोण कितना है 90 डिग्री का, तो अगर ये आइसोसेलेस है मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो इक्वली होगा, मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, सही है ना। तो यहां पर अगर ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, आपको कौन सा एंगल निकालना है, टीएसआर। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान लीजिए, टीएसआर को निकाले तो कैसे निकाले, हमको दिया हुआ है कि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में दो भुजाएं पैरेलल होती है अपोजिट, लेकिन दो भुजाएं पैरेलल नहीं भी होती। तो यहां पर पीएस जो है ये क्यूआर के पैरेलल है, अगर पीएस क्यूआर के पैरेलल है तो आपको समझना होगा ये अल्टरनेट एंगल बन गया। अरे भाई ये वाला एंगल जो है पीएसआर, यानी जो आपको फाइंड करना है, और टी यहां से एसआरक्यू ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। एक एंगल इस तरफ, दूसरा एंगल इस तरफ, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, एक 45 है एक 20 है, दोनों को जोड़ोगे तो 65 आ रहा है, 65 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो सी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और एंगल ए बी सी जो है 65 डिग्री है, सी डी ई जो है ये आपका 15 डिग्री है। अब ए बी इज इक्वल टू ए ई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई एफ। देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये वाला जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और इसके साथ आपको दिया हुआ है एंगल ए बी सी 65 डिग्री है, ये वाला आपका 65 डिग्री है, और एंगल सी डी ई 15 डिग्री है, तो सी डी ई का मतलब ये वाला 15 डिग्री है, सी डी जो है ये आपका 15 डिग्री है, और ए बी बराबर है किसके, ए ई के, ठीक है। ए बी बराबर है ए ई के, ए बी बराबर है ए ई के। अब अगर ये दोनों इक्वल है, आपको क्या निकालना है, यहां पर ए ई एफ का वैल्यू निकालना है, मतलब ये वाले कोण का। आप सोचिए कैसे इसको हम निकाल सकते हैं ए ई एफ को। देखिए यदि हम देखें इस ट्रायंगल को एबीसी को, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी 65 डिग्री का ही होना चाहिए, 65 डिग्री का, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर ए बी और ए ई इक्वल है तो यहां 65 डिग्री, तो यहां भी 65 डिग्री होगा। साथ में आप देखिए यहां पर जो दो लाइन पैरेलल दिए हुए हैं, कौन कौन सा लाइन पैरेलल दिया, एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी, ए बी सी डी पैरेलल है, तो यहां पर बी सी जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अगर ये 65 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तो 65 ही होगा, 65 डिग्री अल्टरनेट एंगल इक्वल, ठीक है। अब आपको ये एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करना होगा कि ये जो एफ ई सी है, एफ ई सी जो है ये 65 डिग्री प्लस 65, 65 प्लस 65 कितना हो गया, 80 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो आप यहां पर बीच का जो एंगल है इसकी बात करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 65 प्लस 80 है, दोनों को जोड़ देंगे, 65 डिग्री प्लस 80 डिग्री इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस, अगर इन दोनों को घटाएं तो 145 डिग्री आ गया, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर ही यहां बीच का एंगल आएगा, पूरा का पूरा कोण जो है 180 होता है, ये वाला कोण ए ई बी जो है 65 है और एफ ई सी जो है 80 डिग्री है, दोनों को जोड़ोगे तो 145 डिग्री आएगा, तो बीच का जो कोण आ रहा है 180 माइनस 45 करने पर 35 डिग्री 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का सही उत्तर है, बी जो है सवाल का सही उत्तर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ बी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, सी इज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी जो है वो 40 डिग्री है, और ओ एक्स ओ वाई आर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए ओ सी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ वाई, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है कि ए ओ बी जो है एक लाइन सेगमेंट पर तीन पॉइंट है, तो यहां पर इस तरीके से लाइन बना देते हैं, ए पॉइंट यहां पर है तो ओ पॉइंट यहां पर रहेगा, बी पॉइंट यहां पर रहेगा, इस तरीके से हमने तीन पॉइंट ले लिए। सी इज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन ए ओ बी सच दैट एंगल ए ओ सी जो है वो 40 डिग्री है, तो सी ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन में लाइन नहीं करता और एंगल ए ओ सी जो है वो 40 डिग्री होगा, तो ए ओ सी ये वाला है 40 डिग्री बन गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि ओ एक्स जो है और ओ वाई जो है ए ओ सी का इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो पहले आपको समझना होगा अगर 40 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल यहां पर हो जाएगा 140 डिग्री का, करेक्ट। तो ये 140 डिग्री बन गया, साथ में ओ एक्स इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो यहां पर ये 20 डिग्री बनाएगा, ये भी 20 डिग्री बनाएगा, साथ में ओ वाई जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला 70 डिग्री बनाएगा, तो यहां पर ये वाला भी 70 डिग्री बनाएगा,
ये ओ वाई है, आपको एंगल बी ओ वाई निकालना है, तो बताइए भाई एंगल बी ओ वाई कितना होगा। एंगल बी ओ वाई हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बी ओ वाई इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ओ वाई जो है 70 डिग्री बन जाएगा। सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, समानांतर है। एंगल एन एम एस का वैल्यू बताना है, तो ये वाला एंगल क्या है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिए। अब देखिए यहां से अगर हमें ये वाला वैल्यू निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्चुअली यहां पर इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, क्यों, जो जो 67 डिग्री बना है, ठीक है, 67 डिग्री जो है वो ये वाले कोण और ये वाले कोण का सम होगा। तो अगर ये थीटा है, ये जो 67 डिग्री बना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ना कि 47 डिग्री प्लस थीटा के बराबर होगा, तो थीटा बराबर डायरेक्टली 67 माइनस 47 होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये डायरेक्टली आपका 20 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, 55 डिग्री आपको कंफ्यूज करने को दिया हुआ है, इसको कोई यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां दिया हुआ है ए इन अ गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, तो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है एंगल ए जो है 128 डिग्री है, एंगल ई जो है 144 डिग्री है, एंगल एफ एस एफ सी डी का वैल्यू बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। चलिए दी गई आकृति में ए बी और सी डी के समानांतर है, ए बी जो है सी डी के समानांतर है, एंगल ए 128 है, एंगल ई जो है 144 है, फिर एंगल एफ सी डी का वैल्यू बताना है कितना आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात हम जो थ्योरम यूज किए उसको यूज करने की कोशिश करिए। देखिए अगर मैं इस कोण को थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ठीक है, डी सी है, इसको पीछे की ओर और बी ए को थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा देता हूं, तो इससे आपको समझ में यह आएगा कि जो ए बी पैरेलल है इसके, करेक्ट, ये अगर 128 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 52 डिग्री का होगा बराबर, और साथ में जो हमको फाइंड करना है ये एंगल थीटा है, एफ सी डी एंगल थीटा है, तो यहां ई सी यहां पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट, तो यहां से थीटा तो इसके पीछे वाला कोण भी थीटा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, समुख्य कोण है, तो यहां पर थीटा तो इसके पीछे वाला एंगल भी थीटा। अब आपको डायग्राम देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 144 डिग्री है, ये एक तरफ बना तो दूसरी तरफ 52 और थीटा बन रहा है, तो 52 डिग्री प्लस थीटा बना, ये किसके बराबर है, 144 डिग्री के बराबर है, ठीक, तो थीटा बराबर हो जाएगा 144 डिग्री माइनस का 52 डिग्री, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर 92 डिग्री बनेगा, मतलब डी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है एक साइड है बीसी, साइड ऑफ एबीसी जो है जिसको हमने प्रोड्यूस किया डी तक, इफ एंगल एसीडी जो है वो अगर 120 डिग्री है तो एंगल एबीसी बराबर 2/3 ऑफ सीएबी है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीएसी आपको बताना है। देखिए एक ट्रायंगल है इस तरीके से एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या करना है, बीसी को बढ़ाना है बिंदु डी तक, बीसी को बढ़ाना है बिंदु डी तक, ठीक है, और इसके बाद हमको बताया गया है कि एसीडी एंगल जो है, चलिए बीसी को हमने बढ़ाया, एसीडी जो एंगल है ये कितना है, ये 120 डिग्री है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में बोला गया एबीसी एंगल जो है, एंगल एबीसी ये कितना है, 2/3 है किसका, एंगल सी ए बी का, एंगल सी ए बी का, तो एंगल सी ए बी को अगर मैं नीचे ले आऊं यहां से उठाकर, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय एंगल सी ए बी आ जाएगा, तो अगर ये 2/3 है तो इसको 2θ और 3θ इस तरीके से इक्वल कर देते हैं, मतलब एबीसी को मैंने ले लिया 2θ, ये 2θ है, और सी ए बी मतलब ये वाला कोण जो है ये 3θ हो जाएगा, बराबर है। दिया क्या हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है एंगल बी ए सी का मान निकालना है, मतलब आपको यही निकालना है, यही वाले कोण का वैल्यू निकालना है, 3θ का वैल्यू, तो सिंपल है, एक्सटीरियर एंगल जो है ये सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है, तो अगर 120 डिग्री इन दोनों का सम के बराबर होगा तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 5θ आ रहा है, 5θ बराबर 120 डिग्री, तो एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए आपको 3θ निकालना है, तो पहले तो थीटा निकालना होगा ना, इसको काट दोगे तो 24 डिग्री आ रहा है, मतलब थीटा 24 के बराबर है, तो 3θ 3 × 24 के बराबर होगा, मतलब कितना, तो यहां से 72 डिग्री के बराबर होगा, 72 डिग्री के बराबर, ठीक है, तो यहां से 3θ बराबर 72 डिग्री है, डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए तो अगला सवाल देखते हैं,
यहां इस सवाल में यदि हम देखें तो अब जो है इस वीडियो का जो है लाइंस एंगल्स में लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें देखना है वो एक बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, फिर हम आएंगे वापस इस सवाल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, आपको ये बस एक छोटा सा थ्योरम है, इस थ्योरम के तहत सारी चीजें अब यहां से चलेंगी। देखिए, यहां पर आपको दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एच दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या पैरेलल है तो समझिए, यहां पर ए बी जो है पैरेलल है, ए बी जो है ये वाला ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के, पैरेलल है जी एच के, तो चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरी बात बोला हुआ है कि यहां पर दो हमने ट्रांसवर्सल बनाया है, ये एक्स वाई, ठीक है, और यहां पर एम एन, एक्स वाई और एम एन दोनों क्या है तो ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखाएं हैं। ऐसे कितने भी आप तिर्यक रेखाएं बना ले, यहां जो बीच में जो यहां पर डिस्टेंसेस बनते हैं इसी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहां एक बार जो रेशियो बन गया, जैसे यहां ए अनुपात बी अनुपात सी बन गया, ये आई जे जे के एल पर मिल रहे हैं, ये ओ पी पी क्यू और क्यू आर पे बन रहे हैं, तो आई जी अनुपात जे के अनुपात के एल का जो अनुपात होगा वही अनुपात ओ पी अनुपात पी क्यू अनुपात क्यू आर का होगा। तो ये आई जे अनुपात जे के अनुपात के एल जो है वो ओ पी अनुपात पी क्यू अनुपात क्यू आर के होगा, जो ए अनुपात बी अनुपात सी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ये तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए इसी के तहत सारे क्वेश्चंस अब यहां से चलेंगे। तो यह पहला सवाल है जो यहां पे दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहां आपको दिया हुआ है कि यहां पर पी क्यू है पैरेलल है आर एस के पैरेलल है, टी यू के पैरेलल है वी डब्ल्यू के। ठीक है, और यहां पर वैल्यू कितना दिया है तो पी आर का वैल्यू दिया है 20, आर टी का वैल्यू दिया है 44 और टी वी का वैल्यू दिया हुआ है 32। पूरा का पूरा क्यू डब्ल्यू जो है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। तो आपको यहां पर क्यू एस का वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, क्यू एस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, यहां से पहले तो आप रेशियो बताइए कि पी आर अनुपात आर टी अनुपात टीवी क्या है, क्योंकि देखिए मैं रेशियो इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर पी आर आर टी टीवी का जो रेशियो होगा वही क्यू एस एस यू और यू डब्ल्यू का रेशियो रहेगा। ठीक, तो यहां से आप देखिए 20 सेंटीमीटर है, ये है 44 का और यह है 32 का। तो अगर इसको 4 से काट लिया जाए तो 5 अनुपात ये हो जाएगा 11 अनुपात ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब आपको QS का वैल्यू निकालना है, तो QS का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 19 प्लस यहां पर आ गया 5 मतलब 24। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाइड बाय इसको 84 कर लेते हैं, अब यहां से वैल्यू आ जाएगा क्यूएस का, क्योंकि देखिए ये भी आपका 5 अनुपात क्यूएस अनुपात एस यू जो है वो भी 11 और यहां पर यू डब्ल्यू जो है ये भी 8 होगा, तो ये भी उसी अनुपात में रहेगा जिस अनुपात में ये है। ठीक है, तो ये जो अनुपात बना सेम अनुपात इसका होगा, और क्यू एस निकालना था तो 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11 यानी कि 15 16 प्लस 8 करोगे तो 24 आ रहा है, यानी 5/24 जो होगा यही अनुपात होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 से काटने पर ये 2 बार कटेगा, 12 से ये 7 बार कटेगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17.5 17.5। ठीक है, 17.5 बी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के, पैरेलल है जी एच के। अब बी एच जो है बी एच का वैल्यू 188 दिया हुआ है, तो ये जो बी एच है इसका पूरा वैल्यू आपको दिया हुआ है 188, ये जो बी एच है इसका पूरा वैल्यू दिया हुआ है 188 का। दूसरी बातें क्या दी हुई है कि ये 42 है तो ये 24 है। ठीक है, और साथ में क्योंकि ए सी यहां 42 है और सी ई जो है 24 है, ये एक ट्रांसवर्सल है, चारों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल दिए हुए हैं जिसमें ये 42 का लेंथ है 24 का लेंथ है। इसके बाद दिया हुआ है क्यू आर, यानी यहां पर क्यू आर का वैल्यू 36 है और साथ में ये जो आर एस है इसका वैल्यू 42 है। आपको क्या निकालना है भाई? ईजी, तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये ईजी है, ग्रीन कलर में मार्क कर लेते हैं ईजी। दूसरा आपको यहां से पी क्यू निकालना है और तीसरा आपको डीएफ, मतलब तीनों में आपको रेशियोज पता होने चाहिए। तो देखिए पहले और दूसरे इंटरसेप्ट का रेशियो यहां से आ जाएगा, दूसरे तीसरे का इंटरसेप्ट यहां से आ जाएगा और इसको बैलेंस करना तो हम लोग जानते ही है। तो देखिए इन दोनों का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 42 और 24 को यदि मैं काटूं 6 से तो एसी अनुपात सीई, ये एसी अनुपात सीई जो है ये कितना है 42:24। अगर आप इसको 6 से काटेंगे तो 7:4 आएगा। ठीक, दूसरे वाले की बात करें तो क्यू आर अनुपात आर एस ये कितना है 36:42। अगर मैं इसे 6 से काटूं
तो 6:7 आ जाएगा, 6:7। क्लियर। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि अब हम तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि यह हमने रेशियो में भी समझा है, बहुत जगह हमने इसको सीख के रखा है। तो अगर मैं कहूं कि इस तीनों का रेशियो का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो पूरे का रेशियो निकल जाएगा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहां जो रेशियो है वो रेशियो यहां भी रहेगा। ठीक है, तो पहले तो इसको और इसको निकालना बहुत आसान है। तीनों का रेशियो इसके लिए लगेगा 188 के लिए, क्योंकि यहां तीनों का रेशियो में से कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अगर इजी निकालना है तो सिंपल सी बात, आप इसको बस ध्यान रखिए कि इन दोनों का जो अनुपात है कितना है, 6:7 आया ना, तो ये भी तो 6:7 रहेगा। और अगर 6/24 है तो 7/ कितना, 28 आ जाएगा, मतलब इजी का लेंथ है 28। अब इन दोनों का रेशियो हमारे पास है तो यहां से पी क्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखिए भाई इन दोनों का रेशियो 7:4 है, मतलब यहां पर भी 7:4 का रेशियो बनेगा। और 4/36 यानी 9 गुना हो रहा है, तो 7 का भी 9 गुना करोगे तो ये पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 63। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब डीएफ का वैल्यू बताना है आपको, डीएफ कहां है, यहां बीच में जो वैल्यू, इसका वैल्यू। तो उसके लिए आपको तीनों का रेशियो होना चाहिए। मान लीजिए इन तीनों का रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो ए अनुपात बी यहां दिया हुआ है, ये आपका ए अनुपात बी दिया हुआ है जो कि ये है, और साथ में बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी कितना है तो ये है। तो सीधे सीधे एक लाइन में ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना आप लोग भली भांति जानते हैं। 7 इतना करोगे 42 आएगा, 6 × 4 करोगे तो 24 आएगा, 4 × 7 करोगे तो 28 आएगा, 2 से काटने पर यहां पर 21:12:14 आ रहा है। क्लियर है। अब यहां से अगर आपको डीएफ का वैल्यू निकालना है तो डीएफ का वैल्यू कितना होगा, देखिए ये a:b:c हमने निकाल दिया, तो 21:12:14 यहां पर 14 आ रहा है, तो डीएफ का वैल्यू कितना होगा, डीएफ का वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ओवरऑल तीनों को जोड़ोगे तो 33, ये दोनों को जोड़ने पर 33 प्लस इसको भी जोड़ रहे हो तो 47 आ रहा है, और टोटल वैल्यू 188 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका 4 गुना है, मतलब ये 12 वाला जो वैल्यू है ये आपका 48 बन जाएगा। ठीक है, ये 48 बन जाएगा, तो यहां से मैं इसको 48 इसको लिख लेते हैं, और तीनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है बताइए कितना है, 8+8 16 हो गया, 16 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, एक कैरी फॉरवर्ड ये बन गया, 10+2 12+1 तो 13 आ गया। ठीक है, 139, तो ये बी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं, आशा करता हूं कि यहां पर हमने जो लाइन एंगल्स पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दलवा दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट है आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।